तो भाई सभी को राम राम, वेलकम बैक टू एके शाह फिटनेस। और हम अपने जिम में ट्रेडिशनल टोन में आ चुके हैं। तो यार आज मैं एक ऐसे एक्सरसाइज का भी, मैं क्या अपने क्लाइंट को वर्कआउट करा रहा था, तभी मुझे याद आया कि पैरेलल बार डिप्स, मैं अभी उसे डिप्स करवा रहा था, तभी मेरे ख्याल में आया कि ये जो पैरेलल बार डिप्स है, जो हम ये डिप्स मारते हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही अंडररेटेड वर्कआउट है। मतलब इस वर्कआउट को जैसे ना लोग ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल, लेकिन ये वर्कआउट बहुत बेस्ट है आपके चेस्ट के लिए, शोल्डर बिल्डिंग के लिए, आपके ट्राइसेप के लिए, कोर के लिए, ठीक है। ये मसल मास ऐड करने में हेल्प करता है और आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आप देखते होंगे कईयों की, मतलब वो नहीं मार पाते, अपना वेट ये ऐसे 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 नहीं उठा पाते। तो ये बहुत ही एक अंडररेटेड वर्कआउट है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वर्कआउट ज़रूर करें। भले ही ऐसे आप जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप अपने पैर का और कोर का हेल्प ले सकते हैं कि थोड़ा एक जंप के साथ, ठीक है, तो पैर को ये जर के साथ कर सकते हैं। और अब मैं बता देता हूँ डिफरेंस दोनों का। जैसे तो क्या है, कई लोग मतलब सिर्फ करते, उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता है कि जैसे जब बॉडी ऐसे लीन होके कर रहे हैं तो कौन से मसल पे आएगा, अगर बॉडी अपराइट में है तो कौन से मसल पे होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ ट्राइसेप्स के लिए। इस साइड आ जाओ भाई, साइड एंगल से दिखाना। तो भाई ट्राइसेप के लिए, ठीक है, सिंपल आपको ऊपर जाना है, पैर ऑफ कोर्स हल्का सा फोल्ड करेंगे और बॉडी हल्का सा ये लीन होगा, ठीक है, या फिर अपराइट रखेंगे। मतलब हमको इसमें ये एल्बो को अपना ज़्यादा एंगेज रखना है, तो ये ट्राइसेप पे आएगा, ठीक है। ये बॉडी अपराइट और हल्का सा जाते समय देखना है, ये ट्राइसेप को देखो, इसमें मेरा कम्प्लीटली ट्राइसेप एंगेज हो रहा है, ट्राइसेप पे ध्यान देना, ठीक है। ये देखो, ये ठीक है, इस सीधे जाना है, सीधे अपने जो अपना एल्बो है उसको एंगेज रखना है पूरा, बिल्कुल ट्राइसेप को, ये तो आपका कम्प्लीटली ट्राइसेप पे आएगा। आपने भी ट्राइसेप का मूवमेंट भी देखा होगा। अब बता देता हूँ चेस्ट के लिए, चेस्ट पे कब टारगेट होगा, सेम ऊपर जाना है और इस बार आपको लीन होना है आगे की तरफ, ये ऐसे लीन होके फिर ये सामने की तरफ झुकना है, 1 2 3 4। तो ये आपके अभी देखो पूरा चेस्ट पंप हो गया, 4-5 ही मारा क्या अभी मैं कर रहा था, पूरा चेस्ट पंप हो गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप चाहे चेस्ट के लिए करो या ट्राइसेप के लिए, शोल्डर पे आएगा ही। तो देखो शोल्डर में आपको, शोल्डर में बहुत बढ़िया कट सा आ जाता है और ये मसल मास ऐड करने में बहुत हेल्प करता है। इस वर्कआउट को अपने जो आपका वर्कआउट प्लान है उसमें ऐड करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और ये आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आप खुद सोचो ना, अपने दोनों हाथों में अपना पूरा बॉडी उठा रहे हो भाई, स्ट्रेंथ कैसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बस ये इसके लिए ही था, और वर्कआउट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।